हेलो नमस्कार बच्चों, मैं आपका धर्म सर, आप सब लोग हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मोस्ट वेलकम बैक इन माय चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको ले यूनिटरी मेथड वाला क्वेश्चन है, इसे तो दूसरे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत मनोरंजक होने वाला है और बहुत आपके लिए लाभदायक होगा। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अच्छी तरह समझें, और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो भाई बच्चों, आपका समय न लेते हुए यहाँ पर है कि 10 आदमी किसी काम को 50 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 20 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की या कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आदमी है, कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ देखो 10 आदमी है तो 50 दिन लग रहा है। अब दिन यहाँ पर घट रहा है, इसका मतलब आदमी बढ़ता है। ऐसे सवाल को हम विलोम अनुपात वाले सवाल कहते हैं कि जब एक इकाई बढ़ती है तो दूसरी इकाई घटती है, एक इकाई घटती है तो दूसरी इकाई बढ़ती है। ऐसे सवालों में यहाँ सिंपल सा तरीका देखिए कि यहाँ पर आदमी है और इसका पहला क्वेश्चन ये है, इसका हल है। देखिए यहाँ आदमी है और यहाँ पर दिन है, डे है। जब 10 आदमी थे तो इसको पूरा करने में 50 दिन लग रहा था। अब जब 20 दिन में पूरा करना है, कहने का मतलब दिन घट रहा है तो यहाँ एक आदमी की जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब यहाँ पर दिन घट रहा है तो यहाँ पर आदमी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ दिनों की संख्या हो घटेगी तो आदमियों की संख्या बढ़ेगी, तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। ये देख ले कि यहाँ पर आदमी बढ़ेंगे तभी ये दिन घटेगा। और ऐसे सवालों में इसको हम अगर निकालते हैं तो इसका तरीका क्या है कि x अनुपाते 10 तो समान अनुपाते, जैसे इसको लिया तो फिर इधर से लेंगे 50 अनुपाते 20। अब इसका हम गुणा करते हैं और इसका गुणा कर लेते हैं, ये गुणा हो जाएगा। तो x गुणे 10 x गुणे 20 बराबर 10 गुणे 50। एक्स बराबर 10 गुणे 50 बटे 20, 10 दूना 20, 2 से कट गया और ये हो गया 25। तो यहाँ पर 25 आदमियों की आवश्यकता होगी। ये तो हो गया आपका एक अनुपात का तरीका। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, अथवा इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसका दूसरा तरीका, ये पहली विधि थी, फर्स्ट मेथड था, लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। अगर इसमें रिवर्स हो गया तो सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पर काम वही है, आदमी और दिन में बदलाव होता है, तो ऐसे इसके लिए सेकंड मेथड है। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसका फार्मूला है P1 T1 / W1 बराबर P2 T2 / W2। P1 व्यक्ति पर्सन हो गया, T1 टाइम होगा, डे हो, घंटे में हो, मंथ में हो, और W1 कार्य हो गया। परंतु ये है W1 / W2, क्यों? क्योंकि ये दोनों काम, मतलब काम एक ही है, उसी काम को करना है, केवल आदमी और दिनों में बदलाव हो रहा है। या तो आदमी बढ़ रहे हैं, या तो आदमी घट रहे हैं, या तो दिन बढ़ रहा है, या तो दिन घट रहा है, लेकिन काम में बदलाव नहीं हो रहा है, काम उतना ही पूरा करना है। इसलिए ये P1 T1 बराबर हो गया P2 T2। अब P1 इसमें है आपका 10, T1 है 50, P2 है पता नहीं, और T2 है 20। तो P2 बराबर हो जाएगा 50 गुणे 10 बटे 20, ये मतलब इसके नीचे आ गया, 10 दूना 20, 2 से कट गया 25। तो P2 बराबर हो गया 25 आदमी। तो आपका आंसर वही आया जो यहाँ पे आया है, वो आंसर यहाँ पर भी आ रहा है। हम देखेंगे कि 12 व्यक्ति है किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 16 व्यक्ति उसे कितने दिनों में करेंगे। यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या 2 बार दी गई है, दिन की संख्या 1 है। यहाँ व्यक्ति की संख्या बढ़ रही तो दिन क्या होगा, घटेगा। जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है तो दिनों की संख्या, समय का घटता है, लेकिन अगर व्यक्तियों की संख्या घटती है तो समय बढ़ जाता है। तो इसके लिए यहाँ इस क्वेश्चन का हल है, ये वाले क्वेश्चन का, ये दूसरे नंबर का है। यहाँ पर P1
T1 बराबर P2, T2 क्यों कि W1 बराबर होता है W2 को, W1 पहला काम, W2 दूसरा काम है, वर्क सेम है, इसलिए W1 W2 के बराबर है। ठीक है, इसलिए इसको हम कैंसल आउट कर देते हैं। लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो W1, यहाँ हो गया W2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब P1 हमारा क्या बचा है, यहाँ पर P1 है 12, T1 है हमारा 8, बराबर है P2 है 16 और T2 का पता नहीं है। T2 को निकालना है, T2 गायब हो गए हैं, तो मेरा T2 गायब हुआ तो T2 को निकालने के लिए T2 को ढूंढेंगे कैसे, तो T2 बराबर हो जाएगा 12 गुणे 8 बटे 16, 8 दूना 16, ये हो गया 12/2 और ये बराबर हो गया 6, तो बराबर हो जाएगा 6 दिन, मतलब 6 दिन में इस काम को पूरा किया जा सकता है। कहने मतलब अगर हमारे पास व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है, 12 से 16 व्यक्ति हो जाते हैं, तो वो काम 8 की बजाय 6 दिन में पूरा हो जाएगा। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ये इसका हल है। यहाँ पर है P1 बराबर है आपका 25, P2 10 है, ये क्वेश्चन यहाँ का था, ये ध्यान रखना है 10, T1 बराबर है 20 और T2 को यहाँ भी फाइंड करना है कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे। सब में T2 को ही निकालना, सब T2 गायब हैं तो कोई बात नहीं, T2 को निकालने के लिए आपको क्या करना है, P1 T1 बटा W1 बराबर P2 T2 बटा W2 और W1 हमेशा बराबर होता है W2 के, कब, जब एक ही काम को किया जाता है, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में कट जाएगा। अब यह P1 तो 25 × 20 बराबर है 10 × T2, तो T2 बराबर हो जाएगा 25 × 20/10 और 10 से ये कट जाएगा, 10 × 20 25 व्यक्ति इसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 10 व्यक्ति, तो ये 50, तो 50 दिन में यहां पर ये काम पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। आगे तीसरे क्वेश्चन को देखें, P1 बराबर 10 है और T1 बराबर 12 है, P2 बराबर 12 है और T2 बराबर हमें फाइंड करना है, तो वही फार्मूला P1 T1 बराबर P2 T2। अब P1 है 10, T1 है 12 बराबर P2 है 12 गुणे T2, तो T2 बराबर हो जाएगा 10 × 12/12, 12 से 12 कट गया और ये आ गया 10 दिन, तो 10 दिन। यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि एक्स और वाई एक काम को 20 घंटे में, वाई और जेड उसे एक साथ 15 घंटे में, और जेड और एक्स अगर एक साथ मिलके काम करते हैं तो 12 घंटे में पूरा करते हैं, मतलब एक्स वाई मिलके करते हैं तो 20 घंटे लगता है, वाई जेड मिलके करते हैं तो 15 घंटे लगता है, जेड और एक्स मिलकर करते हैं तो 12 घंटे लगते हैं, तो अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो कितना घंटा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए टाइम जो दिया है 20 घंटा, ये दोनों मिलके करते हैं तो 20 घंटे लगते हैं, ये दोनों मिलके करते हैं तो 15 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर ये दोनों मिलके करते हैं तो इनको 12 घंटे लगते हैं, तो तीनों का एक्स और वाई का एक घंटे में कितना काम करते हैं, तो इस चाहे उसे आप डिटेल में निकाल लो, तो हम डिटेल में ना निकाल के यहाँ शॉर्ट में निकालने की कोशिश करते हैं, तो तीनों द्वारा मिलकर काम करने में लगा समय,
काम पूरा करने में लगा समय, मतलब कितनी देर में काम पूरा करने में लगा समय। और इसके लिए आपको क्या करना है हमेशा, क्योंकि ये दो दो मिलकर एक्स वाई मिल रहे हैं, यहाँ वाई जेड मिल रहा है, यहाँ जेड एक्स मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है, टू इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का निशान है, और बटे में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसका फार्मूले को अप्लाई करके और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो दो गुणे बीस गुणे पंद्रह गुणे बारह बटे में आ जाएगा, बीस गुणे पंद्रह प्लस पंद्रह गुणे बारह प्लस बारह गुणे बीस, और ये बनेगा चालीस, एक सौ अस्सी, और इसका हो जाएगा तीन सौ, इसका हो गया एक सौ अस्सी, और इसका हो गया दो सौ चालीस, और ये बनाएगा गुणा करने पर बहत्तर सौ आ जाएगा, अठारह चौक बहत्तर, और इसका जोड़ भी सात सौ बीस आएगा, इससे कट जाएगा, तो दस दस घंटे में काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ बहुत आसान सा तरीका है, बहुत छोटी ट्रिक है, और ऐसे हम सवालों को अपने एग्जाम में कम समय में चुटकियों में हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, इसलिए हम बहुत छोटी तरीके या विधियों का यूज करेंगे। राम और श्याम किसी काम को दसवां में करता है, यहाँ पर इसका जो टाइमिंग दिया है दसवां दिया है, राम और मोहन दसवां में करते हैं, और श्याम और सोहन इसे पंद्रह में करते हैं, जबकि राम और सोहन और श्याम उसे बीस माह में पूरा करते हैं। तो अगर ये तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कितने देर में काम पूरा हो जाएगा, ये आपका आंसर था। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, दो गुड़े इसका टाइमिंग है दस, गुड़े है पंद्रह, गुड़े है बीस, बटे दस गुणे पंद्रह प्लस पंद्रह गुणे बीस प्लस बीस गुणे दस, और ये आपका बन जाएगा बीस पंद्रह दुनाई तीस, तीन सौ बटे में दस दूना बीस, पंद्रह दूना तीस, तीन सौ, ये हो गया एक सौ पचास प्लस तीन सौ प्लस दो सौ, और ये बराबर तीन दुनाई छः, छः हजार हो गया, बटे में तीन दो पाँच एक छः साढ़े छः सौ, कैंसल आउट हो गया, ये हो गया तेरह, और ये हो गया एक सौ बीस, तो बराबर हो गया एक सौ बीस बटे तेरह, तो ये हो गया एक सौ बीस बटे तेरह, और तेरह अट्ठे एक सौ चार, तेरह नौ में एक सौ सत्रह, और तीन बटे तेरह, ये इतना माह में काम पूरा हो जाएगा, और ये आपका आंसर हुआ बच्चों। तो इस तरीके से हम इन सवालों को कम समय में बहुत आसानी से यहाँ पे निकालना सीख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा क्वेश्चन मतलब करवाने का या समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को स्किप करके मत देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद।